आकाशवाणी जलंधर खबर सरबजीत कौर पहला खास खबर प्रधानमंत्री भलके शुरू होने वाले पंज राजां दे दौरे दौरान 1,06,000 करोड़ रूपये तो वध विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी रक्षा खोज नूं उत्साहित करने लई भलके नवी दिल्ली विच डेफ कनेक्ट 2024 दा उद्घाटन करेंगे। पंजाब विच अज तों राष्ट्रीय पल्स पोलियो मुहिम दी शुरुआत हुई है। पाकिस्तान विच मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ नूं प्रधानमंत्री चुनिया गया है। जम्मू कश्मीर विच श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय शाहराह नंबर 44 लगातार मीह ते जमीन खिसकन कारण वाहनों की आवाजाई लई बंद है। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय खेत्र विच तूफान के नाल तेज मीह ते बर्फबारी की पेशेनगोई की है। क्रिकेट विच भारत ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग विच चोटी का स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके पांच राज्यों तेलंगाना तमिलनाडु ओडिशा पश्चिमी बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे। वह तीन दिन दौरे दौरान 1,06,000 करोड़ रूपये तो वध विकास प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। कल तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रूपये तो वध कई विकास प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। फिर तमिलनाडु के कलपक्कम विखे भविनी के भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री हैदराबाद में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर राष्ट्र समर्पित करेंगे। इस तो बाद तेलंगाना के संगरेडी और ओडिशा के जाजपुर विखे चंडीखोल च विकास प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता और इस तो बाद बिहार के बेतिया विखे मल्टीपल कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे ते नींव पत्थर रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी रक्षा खोज नूं उत्साहित करने लई भलके नवी दिल्ली विच डेफ कनेक्ट 2024 दा उद्घाटन करेंगे। डेफ कनेक्ट 2024 देश दे रक्षा कार्ड परिपेक्ष विच एक अहम मील पत्थर नूं दर्शांदा है, जिस च हथियारबंद फौजां, रक्षा सनद दे आगुआं, स्टार्टअप्स, अकादमियां अते नीति निर्मातावां समेत प्रमुख हिस्सेदारां नूं इकट्ठा कीता जांदा है। डेफ कनेक्ट दा उद्देश उसारू रुझेवें दी सहूलत देना, आधुनिक तकनीकां दा विखाला करना है अते रक्षा खेतर विच सहयोग, कार्ड अते उद्यमशीलता नूं उत्साहित करने लई बनाने वाला एक मंच बनेगा। इस समागम रक्षा खेत्र विच भारत दी प्रमुख सनअतां तों वड्डी गिनती विच कार्डकारां ते निवेशकां नूं आकर्षित करेगा। फौजी मामला बारे विभाग भलके तो आत्मनिर्भर भारत ते मेक इन इंडिया पहलकदमी ते दो रोजा चिंतन सैशन कराएगा। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सैशनां दी प्रधानगी करेंगे, जदोंकि रक्षा सकत्तर गिरीधर अरमा ने मुख भाषण देणगे। रक्षा मंत्रालय अनुसार इस समागम विच चुनौतियां दी पछाण तों लैके हथियारबंद बलां दे स्वदेशीकरण दे यत्नां नूं हुलारा देण अते हथियारबंद बलां लई रक्षा रखा मुरम्मत अते ओवरहॉल सहूलतां बनाउण अते वधाउण लई इक गल्लबात शामिल है। भारतीय समुद्री फौज बुधवार को कोची विच INS गरुड़ विच नवे शामिल किए गए MH-60 RC हॉक मल्टीरोल हेलीकॉप्टर नु कमीशन करेगी। यह भारत की रक्षा आधुनिकीकरण की यात्रा विच एक अहम पल होगा। सी हॉक स्क्वाडन नु INAS-334 के रूप विच भारतीय समुद्री फौज विच शामिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर फरवरी 2020 विच अमरीकी सरकार द्वारा दस्तखत किए गए 24 जहाजों के विदेशी मिलिट्री विक्री समझौते का हिस्सा ने। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान विच कहा कि भारतीय समुद्री फौज सी हॉक्स नूं शामिल करन दे नाल इसकी समुद्री शक्ति विच एक अहम वाधा वेखेगी। हेलीकॉप्टर की भारतीय स्थितियां विच सख्त जांच की गई है, बेड़े विच पूरी तरह नाल एकीकृत है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन भलके नवी दिल्ली विच राजां अते केंद्री GST गठना दे लागूकरण मुखियां दी राष्ट्रीय कांफ्रेंस दा उद्घाटन करनगे। इह इक रोजा कांफ्रेंस मालिए बारे विभाग वल्लों कराई जा रही है। कांफ्रेंस दे एजेंडे विच GST चोरी अते जाली इनवॉइसिंग दा मुकाबला करने अते वधिया ढंग तरीकियां नूं सांझा करन बारे व्यापक विचार वटांदरा शामिल है। इह केंद्र अते राज GST लागू करन वालियां अथारिटियां दोवां लई वधिया ढंग तरीकियां नूं सांझा करन, आपसी सिखलाई नूं उत्साहित करन अते संयुक्त तौर ते GST प्रशासन मजबूत करने लिए एक वधिया मंच प्रदान करेगा। चोणां विच नौजवानां दी शमूलियत यकीनी बनाउण लई देश भर दीआं उच्च विद्यक संस्थावां विच एक व्यापक वोटर जागरूकता मुहिम मेरा पहला वोट देश के लिए शुरू कीती गई है। इस पहलकदमी दा मुख उद्देश नौजवान वोटरां नूं बाहर आके वोट पाउण लई उत्साहित करना अते देश दे भले लई वोट दी महत्ता नूं दसना है। इह मुहिम 6 मार्च तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लोगों को अपील की है कि वह पहली बार वोट पाने वाले वोटरों में मेरा पहला वोट देश के लिए सिरलेख वाले मुहिम बारे संदेश फैलाउन। इसे लेकर वक्त उच्च विद्यक संस्थावों कॉलेजों तो अध्यापक माहर पहली बार वोट पाने वाले वोटरों अपील कर रहे हैं।
मेरा नाम डॉक्टर गौरव विज ते मैं डीएवी कॉलेज अबोर दे विच कमर्स पढ़ाना। प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, मेरा पहला वोट देश वास्ते, तो मैं नौजवान वोटर साथी है जो पहली बारी अपने वोट का इस्तेमाल करन जा रहे कि इस गल दे हकदार हो गए देश विच अपनी सरकार चुनेंगे, वध चढ़ के इस डेमोक्रेसी दे विच हिस्सा लैन ते अपने हत्थां नाल बटन दब के अपनी मनपसंद सरकार चुनन ताकि फ्यूचर दे विच जिहड़ियां भी पॉलिसीज बनन उन्हां नूं पता होवे कि यह सरकार असी चुनी है और यह साडे लई काम कर रही है। मैं डॉक्टर नीरज कुमार सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के एसी जोशी लाइब्रेरी में डिप्टी लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूं। मेरा देश के युवाओं से ये निवेदन है कि इस बार की लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए हमें एक बार फिर से 5 साल बाद मौका मिल रहा है। मेरे देश के युवाओं से ये विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर अपने मतदान का उपयोग करें और भारत के निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दें। एक खबर तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। आज विश्व जंगली जीव दिवस मनाया जा रहा है। ए दिन हर साल 3 मार्च नूं जंगली जीवां दी सुरक्षा दी अहमियत बारे जागरूकता पैदा करने लिए मनाया जांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके ते जंगली जीव प्रेमियों नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। पंजाब सेहत ते परिवार भलाई विभाग वल्लों अज तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो राउंड मुहिम तहत 5 साल तक के बच्चों नूं पोलियो रोकू बूंदा पिलाउण दी शुरुआत हुई है। शहीद भगत सिंह नगर दे सिविल सर्जन डॉ जसप्रीत कौर की योग अगवाई हेठ जिले विच बच्चों नूं पोलियो रोकू दवाई दी गई। डॉ जसप्रीत कौर ने जिले विच पल्स पोलियो मुहिम तहत पोलियो रोकू बूंदा पिलाउण दे कामकाज का निरीक्षण किया। इस मौके उन्होंने सेहत अमले नूं हदायत करदे कहा कि जिले विच 5 साल तक का कोई भी बच्चा पोलियो रोकू बूंदा तो वांझा नहीं रहना चाहिए। मापिया नूं इन्हां 3 दिनां विच अपने 5 साल दे बच्चों नूं पोलियो रोकू बूंदा पिलाउण दी अपील कीती। सेहत विभाग फरीदकोट वल्लों अज जिले भर विच वख वख थावां ते बूथ लगा के मुहिम दे पहले दिन 327 बूथ लगाए गए ते बच्चों नूं पोलियो खुराक दित्ती गई। जम्मू कश्मीर विच अज तो शुरू हुई 3 दिना पल्स पोलियो टीकाकरण मुहिम दौरान 5 साल तो घट उम्र के लगभग 19 लाख बच्चों नूं पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। आकाशवाणी जम्मू के पत्रकार ने खबर दी है कि सेहत और मेडिकल सिक्ख्या विभाग के सकत्र डॉ सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा कि विभाग ने इन दिनों दौरान टीकाकरण की सफलता नूं यकीनी बनाने लई सख्त मेहनत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दे नेता शहबाज शरीफ नूं अज पाकिस्तान दा प्रधानमंत्री चुनिया गया है। उन्हां नूं 201 वोटां मिले जबकि इमरान खान दी हिमायत वाली पीटीआई उम्मीदवार उमर अयूब खान नूं 92 वोटां मिलियां। नैशनल असैम्बली विच वोटिंग काफी हंगामे दरमियान हुई। पीटीआई दी हिमायत वाले संसद मैंबरां ने इमरान खान दी रिहाई दी मंग कीती अते नारेबाजी कीती ते दोष लाया कि शरीफ चोणां च धांधली राहीं सत्ता विच आए ने। दिल्ली सरकार भलके माली साल 2024-25 का बजट पेश करेगी। खजाना मंत्री आतिशी बजट लियाउणगे। जम्मू कश्मीर विच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अज पुंछ विच मारे गए नागरिका दे वारसां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। आकाशवाणी जम्मू दे पत्र प्रेरक ने दस्सिया कि रिहायशी मकसद लई संबंधित परिवारां नूं 1-1 कनाल जमीन दे अलाटमेंट पत्र भी सौंपे गए ने। केन्द्र प्रबंधित प्रदेश जम्मू कश्मीर विच श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय शाहरा नंबर 44 अज दूजे दिन भी वाहनां की आवाजाई लई बंद रहा है। इस दौरान ट्रैफिक अधिकारियों वल्लों मुसाफरों नूं सलाह दित्ती गई है कि जदों तक सड़क की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता उदों तक शाहरा ते कोई भी सफर ना किया जाए। मौसम विभाग ने अज पश्चिमी हिमालय खेत्र विच तूफान अते बिजली चमकण दे नाल तेज मीह अते बर्फबारी की पेशीनगोई की है। आकाशवाणी खबरों नाल गलबात करदे विभाग के सीनियर विज्ञानी आरके जुणामणि ने कहा कि उत्तराखंड लई भारी मीह अते बर्फबारी लई एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट विच भारत दी मर्दां दी टीम ने अज ऐलानी की ताजा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 रैंकिंग विच न्यूजीलैंड दी थां सिखरला स्थान हासिल कर लिया है। औरतां दी प्रीमियर लीग विच गुजरात टाइटन्स दा मुकाबला बेंगलुरु दे एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम विच दिल्ली कैपिटल्स नाल हो रहा है। आखिर विच खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री भलके शुरू होने वाले 5 राज्यां दे दौरे दौरान 1,06,000 करोड़ रूपये तो वधदे विकास प्रोजेक्टां दी शुरूआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी रक्षा खोज नूं उत्साहित करने लई भलके नवीं दिल्ली विच डेफ कनेक्ट 2024 दा उद्घाटन करेंगे। पंजाब विच अज तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो मुहिम दी शुरूआत हुई है। पाकिस्तान विच मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ नूं प्रधानमंत्री चुनिया गया। जम्मू कश्मीर विच श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय शाहरा नंबर 44 लगातार मीह ते जमीन खिसकन कारण वाहनों की आवाजाई लई बंद। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय खेतर विच तूफान के नाल तेज मीह ते बर्फबारी दी